अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान। मैं आपके लिए आज लाई हूं बहुत ही मज़ेदार सा कोर्स जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स। ठीक है, मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझाऊंगी। सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिससे ग्राफिक डिज़ाइनिंग जिससे डिज़ाइनिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर हैं। सो कैसे एक बंदे की पिक्चर चेंज की जा सकती है, कैसे बैकग्राउंड चेंज किया जा सकता है, कैसे कोई भी शेप बनाई जा सकती है, कोई भी डिज़ाइन बनाया जा सकता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है और उसमें सबसे पहले मैं लिखूंगी, गूगल पे मैं लिखूंगी GET गेट इनटू पीसी। ठीक है, गेट इनटू पीसी पे आप जाएंगे, उससे आप सबसे पहले गेट इनटू पीसी डाउनलोड फाइल यू डिज़ायर ऐप, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये गेट इनटू पीसी जो वेबसाइट है वो खुल गई। इसके यहाँ पे सर्च बॉक्स में आप लिखेंगे Adobe Illustrator, उसका आप वर्जन लिखेंगे, मैं लिख रही हूँ 2022। ठीक है, आपको जो भी चाहिए 2020 जो भी चाहिए आपको, उसको लिख के आप इंटर कीजिएगा। जब आप उसको इंटर करेंगे तो आपके पास Adobe Illustrator CC 2022 फ्री डाउनलोड आ जाएगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक कीजिए। ये हमारे पास आ गया Adobe Illustrator 2022। यहाँ पे है ये डाउनलोड 64 bit and 64, ये इसका पासवर्ड ये है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तब ये पासवर्ड मांगेगा, इसका पासवर्ड 123 है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें, ये अब डाउनलोड इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये लोकेशन मांगेगा कि आप अपने पीसी में कहाँ पे इलस्ट्रेटर डाउनलोड करना चाहते हैं। आप इसको लोकेशन दे के आप इसको ऐसे कर लेना। ठीक है, सो मैं कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये सेव है। ठीक है, सो अब मैं आपको इसको ओपन करना बताती हूँ। ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है, सो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये ओपन हो जाता है। सो ये इलस्ट्रेटर ओपन हो गया है। यहाँ से आपने अगर कोई फाइल आपके पीसी में है वो ओपन करनी है तो यहाँ से ओपन करके आ गया, फाइल सेलेक्ट कर लें, न्यू आपने क्रिएट न्यू करना है तो आपके पास न्यू। अच्छा, ये है कस्टम, इसका ये साइज है 11:25x7:25x7:50 pixel है ये कस्टम साइज, इसका ये साइज है। नीचे साइज आप यहाँ से अपनी मर्जी का भी, वेट और हाइट अपनी मर्जी की भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा पिक्सल में होती है। यहाँ पे पॉइंट, पिकास, इंचेस, फीट, जो भी आप रखना चाहें, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब कुछ आप रख सकते हैं। ठीक है, ये इसका आर्टबोर्ड है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जैसे भी। अब ये आर्टबोर्ड है, आप उसके जितने भी आर्टबोर्ड रखना चाहें आप रख सकते हैं। हम एक ही चाहिए, हम एक ही रखेंगे, लेकिन आप जितने भी रखना चाहें दो रख के मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, इसका जो कलर मोड है वो GB CMYK के इसका कलर मोड है, जो भी आप रखना चाहें इसमें से। ये इसकी हाइट है। ठीक है, यहाँ से जब हम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास आर्टबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये हमने टू आर्टबोर्ड सेलेक्ट किए थे तो हमारे पास टू आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो गए हैं। ये है हमारे पास इलस्ट्रेटर। ठीक है, अब इसके ये सब टूल्स हैं, ये टूल्स पे इनका शॉर्टकट कीज लिखी हुई है कि आप वी सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये टूल आ जाएगा। ये है सिलेक्शन टूल। ठीक है, आपने जैसे कि कोई भी शेप आपने ड्रॉ की हुई है तो ये सिलेक्शन टूल से आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको इधर उधर आप लेके जा सकते हैं सिलेक्शन टूल से। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप क्या कर सकते हैं कि आप पूरी शेप नहीं मूव कर सकते, आप उसका आप यहाँ इसके एक साइज पे करेंगे तो आप उसको ये आप इसकी शेप की कॉर्नर्स को मूव कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से आप इसको गोल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। सो ये हमारे पास हो गया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, कि आप उसके कॉर्नर्स को जहाँ मर्जी है मूव कर सकते हैं। ये क्या है, मैजिक वैंड टूल है। ठीक है, ये साथ साथ मैं आपको बताऊंगी इन टूल्स का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये दो टूल बताए हैं। अब ये नीचे बहुत सारे टूल्स हैं, ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी एक एक करके, मैं आपको एक एक लेक्चर में इन सब टूल्स की के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी ताकि आप अच्छे से सीख सकें। ये है जी इनका कलर, हम जिसका भी कलर, ये है जी स्ट्रोक, कोई भी जब हम ये करके सिलेक्शन टूल करके किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी एक हमने स्ट्रोक कैसे रखनी है। लेकिन इसकी स्ट्रोक मैंने ब्लू रखी है। अगर इसकी मैं इसको मैं फिल देती हूँ, इसकी फिल में कौन सी करती हूँ, कोई भी कलर की इसकी मैं फिल करती हूँ, इसको सेलेक्ट करके इसकी मैं फिल दूंगी तो ये किसी भी कलर में फिल होता जाएगा। ठीक है, ये है जी इलस्ट्रेटर डाउनलोड करना आज मैंने आपको सिखाया है। और इसके ये कुछ दो टूल्स मैंने आपको बताए हैं, जो सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसकी शेप को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके कॉर्नर्स को आप जहाँ मर्जी है, जैसे मर्जी है मूव
कर सकते हैं। ठीक है, आप कंट्रोल जेड करेंगे तो आपका वर्क वापस आ जाए। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। सो कल मैं आपके लिए इलस्ट्रेटर का ही नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टूल मैं आपको कल से समझाऊंगी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।